नमस्कार जी, मैं आपका अपना हाँ अरविंद केजरीवाल, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी, लोग मेरे खिलाफ़ साजिश कर रहे हैं। इनकी साजिशें तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी जी, चाहे वो मोदी जी हो या कोई भी हो। ये बाबा मोदी जी, ये अमित शाह, इन सब ये सब नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर लोग आराम से रहें, और अब विश्वास को भी भड़का दिया है। भाई मैं पहले बोल चुका हूँ, जिस आदमी को विश्वास पे विश्वास नहीं है वो किस पे विश्वास करेगा जी। अब वो बोल रहे तुम आओ, मैं तुम्हारे को बताता हूँ कि तुमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, क्यों क्यों किया, क्या किया क्या नहीं किया। अरे मैं जानता हूँ, वो सिसोदिया मेरे बैनर्स के पीछे पड़ा हुआ है, कह रहे कि जितना पैसा आपने बैनर्स में, पोस्टर्स में, एडवर्टीजमेंट में खर्चा है उतना बचा लेते हो तो नई वैक्सीन आप दिल्ली के लिए बना लेते और दिल्ली वालों को दे देते। अरे मैंने कहा भाई बेवकूफ़, तेरे तो बालों के साथ साथ अकल भी उड़ गई है, हमारी थोड़ी उड़ी है। हाँ नहीं उड़ी, ना बाल उड़े ना अकल। पहले विश्वास को लेता हूँ मैं इस बंदे को। आप मुझे एक बार बताओ, मैंने अपना काम निकालने के लिए इस बंदे को रखा था, काम निकल गया, कविताएं वविताएं पढ़ दी इसने, लोग हंसी ठट्टा हो गई, ताली बजा दी, खत्म कहानी। अब मैं क्यों रखूँ इसको भाई? आप देखिए, जब मैंने बाप के लात मार दी अन्ना हजूर, अन्ना हजारे साहब, उनके कंधे पे चढ़ के, पीठ पे चढ़ के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो भाइयों को कहाँ मैं वो करूँगा फिर? जितने शरीफ थे, चाहे वो कौन था, वो क्या नाम है अपना, पार्टी में जितने भी शरीफ लोग थे सबके मैंने लगा दिए लेंटर। चाहे विश्वास हुआ है, मनीष सिसोदिया वो तो बेचारा मजबूरी में फंसा हुआ मेरे साथ, चाहे वो जोगा था, क्या नाम था उसका, जो भी था वो, योगेंद्र यादव, योया व्हाटएवर बेचारा, वो उसने मेरी स्क्रिप्ट लिखी थी, जब मैं शपथ ले रहा था ना तो शपथ लेते लेते वो पूरा पढ़ दिया था उसने, क्योंकि उसको याद थी, कुमार विश्वास को याद थी, लेकिन हम तो भूल गए भाई। नेता होने का मैं कुछ तो हक अदा करूँगा नहीं करूँगा? एक बात बताओ, 50 से 60 थप्पड़ किसने खाए, इंक किसने खाई मतलब पी, लोगों की गालियाँ किसने पी? मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी जगह पे बेइज्जती हुई है ना मेरी, मैं खुद नहीं जानता। एक बार तो मेरे को लगा कि मैं पीएम ही बन जाऊँगा, मैं वाराणसी से लड़ लिया, मैं हार गया, इधर की मैंने सीट छोड़ दी थी, और फिर दिल्ली वालों ने दोबारा मुझे मौका दिया जी, और मैं फिर आ गया। दिल्ली वालों को किसी ने बताया नहीं था कि उनके हॉरोस्कोप में शनि आने वाला है, और मेरी में कुमार विश्वास आने वाला, ये नहीं बताया। अरे यार उसको रोको भाई, वो सिसोदिए और रोको उसको भाई, ज़्यादा बकबका दिया ना उसने, तो दिल मेरे हार्ट अटैक ना आ जाए यार। बोल रहा है कि भाई आप खा लो, खालिस्तानियों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल के बताओ आप, कि खालिस्तानी आपके घर नहीं आए थे, आपसे मिले नहीं थे, आपसे बात नहीं की थी, आपके लिए कुछ नहीं किया, आपके लिए पैसे अरेंज नहीं किए, आपने उनके लिए कुछ चीज़ अरेंज नहीं की, बताओ भाई। मैं बच्चों की कसम झूठी खा करके बोल रहा हूँ, झूठी समझ लो नहीं बोली, ठीक है ना, बच्चों की झूठी कसम खा के बोल रहा हूँ मैं, बच्चों की झूठी कसम खा के बोल रहा हूँ मैं, बच्चों की झूठी कसम खा के बोल रहा हूँ मैं, दो दो तीन बार बोल रहा हूँ, मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं, मतलब ही नहीं होता यार। मुझे इंक की खुशबू आ रही है, ओए ओए, कोई इंक नहीं फेंकेगा भाई, कोई इंक नहीं फेंकेगा, बड़ी मुश्किल से उतरता है यार उसका इंक का कलर यार। हाँ तो मैं आपको बता दे रहा हूँ जी, मैंने क्या नहीं किया, दिल्ली के अंदर इतनी सारी दुकानें खुलवा दी, पानी मिले ना मिले दारू जरूर मिलेगी, और अब वही दारू बंद यहाँ से हो रहे ठेके, आधे पैसों मिल रही हैं, भीड़ लगी पड़ी है, भीड़ सारे ब्योड़े मेरे को बोल रहे हैं कि क्या काम किया, क्या काम किया, क्या काम किया। कुछ लोग तो बेच भी रहे हैं दोबारा मेरे अपने, मतलब कुछ लोग बेच, पता नहीं कौन। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रोज़गार दे रहा हूँ दिल्ली को, इतनी गंदगी कर दी है मैंने कि कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं पाया, जितनी भी झुग्गी बस्ती हैं उनके आसपास जितने लोग रहते हैं, मास वास की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, इतनी गंदगी वो सूंघ रहे हैं कि कोरोना वाला क्या घंटा कब चुकाड़ा है, कुछ नहीं बढ़ पाएगी। मेरे घर में जो काम वाली भाई आती थी वो आज भी आ रही है, पाँच छः आती हैं, सब आ रही हैं, सब जा रही हैं, किसी ने कोई वैक्सीन वैक्सीन नहीं लिया, सिर्फ वो जहाँ रहती है मैंने उनके यहाँ ऐसा कर दिया प्रबंध कि कुछ नहीं हो सकता यार। ये कुमार मेरे लिए कांटा बनता जा रहा है, वो दिक्कत दे रहा है मुझे,
उल्टी इसके बाद मेरी बहुत सारी टेपें हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप है, बहुत सारे ईमेल है, बहुत सारे पता नहीं क्या क्या है यार। चलिए, पर आप अपने इस केजरीवाल को भूल मत जाइएगा। मुझे तबीयत भी ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपके पास ये कहने आया हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। जिस तरीके से आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपके साथ रहूँगा। बार्टर डील, समझ रहे हैं ना? नमस्कार जी। यार रोको यार इसको, सिसोदिया रोक, मैंने तेरे बच्चे को जवाल में खड़ा दूंगा सर के। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।